राजस्थान उदयपुर ब्यूरो चीफ लक्ष्मण गोरड़ की रिपोर्ट। सरकार द्वारा सीवरेज लाइन के लिए व सेफ्टी टैंक की समस्या को देखते हुए 3 गाड़ी नगर निगम उदयपुर को दी। महापौर ने किया 3 सीवरेज वाहनों का उद्घाटन। नाली एवं सीवरेज लाइन सफाई हेतु होगा उपयोग। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में आवंटित सीवरेज वाहनों का नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक उप महापौर पारस सिंह वी द्वारा उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार द्वारा जो नगर निगम में 5 गाड़ी का जो भेजा गया है, 3 तो सेफ्टी टैंक साफ करने के लिए, 2 नाला साफ करने के लिए भेज गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत साहब का, जिस तरह से उदयपुर शहर में स्वच्छता के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था और आगे भी ऐसा करता रहे तो उदयपुर शहर में जो जिलों की नगरी कहते हैं और टूरिस्ट पॉइंट है, हम इसे अच्छी तरह से सफाई कर सके। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो अशोक गहलोत सरकार ने इस तरह से नगर निगम को भेजी है। आपका परिचय देखे सर। नाम है राजस्थान सरकार ने नगर निगम के अंदर सेफ्टी टैंक खाली करने के लिए, सिस्टम ठीक करने के लिए, और चूँकि बहुत जगह हमारे राजस्थान के अंदर गाड़ियां पुरानी भी हो गई है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि 15 साल के बाद में गाड़ियों को जो है वो यूज़ नहीं करें पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए, उस दृष्टि से भी उस कारण से पॉलिसी से सरकार ने हमको भी यहाँ गाड़ियाँ भेजी है और आज इसको हम लोकार्पण कर रहे हैं। उस टाइम पहले आ गई थी गाड़ियाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह सब बाकी था, तब तक हम इसको रोड पर ला सकते नहीं थे, न्याय है और आज से काम चल